दार्जिलिङ पुलिस प्रशासनले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर फाँसीदेवा हत्याकाण्ड केसको समाधान विषयमा जानकारी दिएका छन्। गत 11 फरवरीको दिन सिलगढी महानदी नजिक एक शव फेला परेको थियो भने उक्त शव सिलगढी वार्ड नम्बर 10 निवासी उमेश शाह उमेर 46 वर्षको थियो। घटना घटेको दोस्रो दिन मृतकको दाजु रविन्द्र शाहले स्थानीय पुलिस स्टेसनमा दर्ता चढाएका थिए भने दार्जिलिङ पुलिसद्वारा यस हत्याकाण्डको छानबिन गरी 3 दिनको छोटो अवधिमा नै हत्यारा साथै हत्यारासँग संलग्न रहेका तथ्यहरूको खुलासा गर्न सफल बनेको छ। उक्त विषयमा दार्जिलिङ जिल्ला एसपी डाक्टर सन्तोष निम्बालकरले विस्तृत रूपमा जानकारी दिएका छन्। फाँसीदेवामा एक मर्डर हुआ था ऑन 11, तो उसमें नेक्स्ट डे एक बॉडी मिली थी, बी हेडेड बॉडी विथ मोटरसाइकिल महानंदा कैनाल जो है वहाँ पे बी हेडेड विथ हेलमेट, हेड अलग सा और बॉडी अलग सी वहाँ पे मिली थी। उसके बाद में फाँसीदेवा थाना स्वांग इन टू दी इन्वेस्टिगेशन, उसमें आयो प्रेजेंट आयो और उसके बाद ओसी डीएसपी रूरल अचिंत एंड एडिशनल एसपी दे आल्सो पार्टिसिपेटेड। तो उसमें एक कंप्लेंट मिला कि रविंद्र शाह जो है वार्ड नंबर 10 सिलीगुड़ी, उन्होंने कंप्लेंट दिया कि ऐसे ऐसे उनके भाई की मौत हुई है। तो उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन करते करते उनका नाम है, जो डिसीज है उनका नाम है उमेश शाह, वार्ड नंबर 10, एज 46। तो इन्वेस्टिगेशन में करते करते ट्रैक लिया गया कि कहाँ पे क्या हुआ है, प्लेस ऑफ ऑकरेंस विजिट किया गया। उसके बाद में लोकल इंक्वायरी की गई उसकी, जो उमेश शाह वॉज अ बेसिकली बिजनेसमैन, उसका जो सहानंद जोट है उसके पास में जो उसका बिजनेस है, जो गनी बैग्स का बिजनेस करता था, उसकी 3 फैक्ट्री थी मैंने है वहाँ पर। और वहाँ पे उसका बेसिकली उसका बैकग्राउंड वहाँ से हमने मालूम किया, तो बैकग्राउंड से मालूम किया लग गया कि उसका कुछ इल्लिसिट रिलेशंस भी थे वहाँ पे, मेनली हमानी खातून उसके साथ भी उसके इल्लिसिट रिलेशंस थे, और उसके साथ उसके जो लड़के हैं उनको भी उसने काम से निकाल दिया था। तो इसका आगे इन्वेस्टिगेशन करते करते ऐसे मालूम पड़ा कि मेनली मोहम्मद मोमिरुल एंड मोहम्मद रसूल, ये दो जो है उसी गांव के हैं, उसके सहयोगी है मोहम्मद डिमेल एंड मोहम्मद तमिरुल, ये 4 लोग बेसिकली प्लान किए थे कि इसका मर्डर किया जाए। मैंने मर्डर पहले प्लान नहीं था, उसका साथ बात करना चाहते थे। बाद में इसके पीछे मेनली मोटिव यह था कि जो मोहम्मद डिमेल है उसकी सिस्टर है हलीमा खातून, तो हलीमा खातून का जो है एक लालजी मोहम्मद बोल के है, वो जो बिहार का है वो वहाँ पे आके रहता था, और उसका उसने मोहम्मद उमेश शाह जो है उसके बिजनेस में वो भी काम करता था, बट उसने फिर सेपरेट होके खुद का भी बिजनेस स्टार्ट किया था, तो लेकिन वो चल नहीं पाया। बाद में वो वहाँ से सिलीगुड़ी में आया, उसका अफेयर भी था पहले मोहम्मद डिमेल के सिस्टर के साथ हलीमा खातून, उसके बाद उसकी शादी भी हो गई थी, और वो फिर सिलीगुड़ी बीच में बिजनेस नहीं चला इसलिए सिलीगुड़ी गया, वहाँ से वो भाग गया 1 महीने पहले। तो इसको लेके ही इनमें यह था कि जो उमेश शाह है उसके कारण ही ये वहाँ से भाग गया, और उसके कारण ही उसका बिजनेस नहीं चला, और सामने वाला जो नाली है उससे भी उनका झगड़ा चलता था किसका है जगह को लेके भी। तो ये मन में रख के इन्होंने प्लान किया था सब ये चीज़ें। इसमें मोहम्मद मोमेरुल और मोहम्मद रसूल ये और मोहम्मद तमिरुल एंड मोहम्मद डिमेल ये सभी पार्टिसिपेट थे। उसमें मोहम्मद तमिरुल ने प्लान किया कि वो पीछे से गया, जब ये उमेश शाह जा रहा था गाड़ी से तो उन्होंने धक्का देने का ट्राई किया, उसके बाद दो बच निकला उसमें से, लेकिन फिर उसको इस
उसको बाद में लेके आए ये लोग, मोहम्मद डिमेल जो है, उसके बाद मोमिरुल रसूल, ये लोग उसके गांव के यहाँ पे जो एक प्लेस ऑफ ऑकरेंस जिसके पास लेके आए, वहाँ पे उसको लेके आए, ये बहाना लेके कि चलो हम मेडिकल तुम्हें ये देते हैं, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, इसके हिसाब से लेके आए। लेके आने के बाद उसके बातचीत हुई कि ऐसा ऐसा है, तुम्हारे कारण ही जो हुआ है, उसकी बहन जो है मेंटली भी अफेक्ट हुई है और उसके कारण ही उसका जो जमाई है वो भाग गया। तो ये चीज़ें बोलते बोलते उन्होंने फिर उसको पैर टाँग दिया और उसका गला भी घोट दिया, उसके बाद वो अनकॉन्शियस हो गया। उसके बाद वहाँ से घर से उसने चाकू लेके आए, लेके आने के बाद वहाँ पे गला पूरा काट दिया। काटने के बाद उसको वहाँ पे जो वहाँ से 100 मीटर दूर जो कैनाल है वहाँ पे घसीटते लेके गया, बांबू को बांध के उसको लेके गया वहाँ पे। और उसका जो सिर है, और सिर में भी वो हेलमेट बाद में पहना दिया, और गाड़ी और जो लोअर बॉडी है उसको कैनाल में फेंक दिया। वेपन ऑफेंस अभी देखेंगे, पीसी में देंगे इनको, इनको आज अरेस्ट हो गया है, दिखाएँ अंजाम दिया था। बहुत ही ग्रूसम मर्डर था, सडनली सिलीगुड़ी और सराउंडिंग एरिया में इससे लोगों के मन में थोड़ा भय भी पैदा हुआ था। तो वी आर एबल टू क्रैक इट विद इन द 3 डेज, कंटिन्यूस एफर्ट्स ऑफ आईओ एंड एडिशनल स्पेस परस्यूअंस अचिंत डीएसपी रोल परस्यूअंस, इसके कारण ये सक्सेसफुली वी आर एबल टू क्रैक दिस केस इमीडिएटली।